अस्सलामु अलैकुम। इस बकरीद बनाइए गोश्त का अचार, जो बिना रेफ्रिजरेट किए भी आप बाहर रखे 1 महीने तक खा सकते हैं। बहुत आसान, बहुत मज़ेदार अचार की रेसिपी है ये। 1 किलो का मेजर मैंने बताया है, 2 किलो बनाना है तो सभी इंग्रेडिएंट्स डबल कर लें, 3 किलो के लिए ट्रिपल कर लें। अचार बनाना शुरू करते हैं। गोश्त का अचार बनाने के लिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें डालिए 1 किलो गोश्त बिना हड्डी का। पीसेस छोटे साइज में कट कर लें, देखिए इस तरह से। इसमें डालिए 1 टीस्पून भर के हल्दी, 2 टीस्पून नमक, 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट फ्रेश ले लें, 1 कप पानी डाल दें, अच्छे से मिक्स करिए। इसके ऊपर लिड बंद करके सीटी लगा दें, 8 से 10 सीटी आने दें। अचार का जब गोश्त होता है उसे हमें बहुत ज्यादा नहीं गलाना है, वरना फ्राई करते वक्त ये टूट जाएगा। 8 से 10 सीटी काफी है। अगर गोश्त बहुत ज्यादा सख्त है तो और थोड़ा सा गला लें। 8 से 10 सीटी आ चुके हैं, गोश्त हमारा गल गया है कुछ 80 to 90%, बस इतना काफी है। इसे आप सुखा लें। ये सूखने तक हम थोड़े से ड्राई मसाले यानी अचारी मसाले बना के रेडी रख लेते हैं। अचारी मसाले के लिए हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 टेबल स्पून जीरा, राय 1.5 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया, 1/2 टीस्पून मेथी के बीज, 3 से 4 चुटकी कलौंजी, 6 लाल सूखी मिर्च। इन सभी को भून के पीस लें, अच्छे से गर्म करके डाल दें। मीडियम फ्लेम पे भूनिए, 2 मिनट के लिए भूनिए काफी है, ज्यादा ना भूने वरना अचार कड़वा हो जाएगा। इसे अच्छे से भूनने के बाद ठंडा करके पीस लें। पिसा हुआ अचारी पाउडर रेडी है। गोश्त देखिए हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है, फ्लेम बंद कर दें। अब एक कढ़ाई में 400 ml तेल गरम कर ले, ये अचार है तेल इसमें ज्यादा लगेगा। तेल अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें गोश्त डाल दें बॉईल किया हुआ, और इसे हमें 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करना है हाई फ्लेम पे ही, रंग बदलने तक। बहुत ज्यादा डार्क ना करें, हल्का सा ब्राउनिश कलर आने तक। गोश्त का रंग देखिए हल्का सा ब्राउन हो गया है, बस इतना हमें काफी है। इसे एक प्लेट में निकाल लें गोश्त का। बिना रेफ्रिजरेट किए भी आप ये अचार बाहर रख के भी खा सकते हैं। तेल ज्यादा डालेंगे तो खराब नहीं होगा। तेल, लाल मिर्च पाउडर, नमक, नींबू, ये सब चीजों से अचार खराब नहीं होता है। अब इसी तेल में हमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राय, थोड़ा सा करियप्पा, 4 से 5 लाल सूखी मिर्च डालना है, 25 लहसुन के कलियां क्रश करके डालिए, इसे फ्राई कर लें। थोड़ा सा ही, ज्यादा फ्राई ना करें, बस थोड़ा सा ही करिए, इसे जलने ना दें। 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने के बाद फ्लेम बंद कर दें। हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने दें। फ्लेम बंद करने के बाद फिर से गोश्त डाल दें। अब इसमें बाकी मसाले डाल दें, ये अचार का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 4 टेबलस्पून डालिए, इसमें ज्यादा लगेगा। अचार के लिए एक स्पेशल लाल मिर्च पाउडर मिलता है, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको नाम जानना है तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगी, यहाँ नहीं कर सकती। अगर ये अवेलेबल ना हो तो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन इसे डालने से अच्छा टेस्ट आएगा और कलर भी। मिक्स करिए, आखिर में इसमें हमें नींबू का रस डालना है, 5 से 7 नींबू। खट्टा आपको कम पसंद है तो नींबू की क्वांटिटी कम कर दें, ज्यादा पसंद तो ज्यादा डालिए।
इसे मिक्स करिए। फिर थोड़ा सा नमक डालना है इसमें, अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। गोश्त गलाते वक्त 2 टीस्पून डाला था मैंने। अच्छे से मिक्स करिए, इसके ऊपर लिड बंद करके रख दें थोड़ी देर के लिए, तेल साइड्स में आ जाएगा। गोश्त का अचार हमारा रेडी है, बहुत मज़े का बनता है, आप इसे आराम से 1 महीने तक रख के खा सकते हैं। दस से 15 मिनट हो चुके हैं, तेल अच्छे से साइड्स में आ चुका है, अचार हमारा रेडी है। देखिए कितना यमी लग रहा है और तेल भी साइड्स में आ चुका है ना, बहुत ही लाजवाब गोश्त का अचार। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें इस बकरीद, एक एयर टाइट जार में इसे रख के स्टोर कर लें, चाहे तो रेफ्रिजरेटर में रखिए या बाहर भी रख के खा सकते हैं, लेकिन इसे ज़रूर बनाइए, बहुत मज़ेदार अचार की रेसिपी है ये। आपने कभी हैदराबादी शादियों में यह क्रीमी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मलाई गोश्त ट्राई किया है? अगर ट्राई किया है या ना किया हो, आप लोग इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं, ऑथेंटिक रेसिपी है ये। अगर आपके घर पार्टी है तो इसे ज़रूर इंक्लूड करें, आपके मेहमान उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। शादियों वाला मलाई गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1/2 किलो गोश्त, हड्डी वाला ले लें, थोड़ा सा फैट भी इसमें इंक्लूड कर लें, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। अब नेक्स्ट हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं, देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। इसमें डालिए 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक डालिए 1 टीस्पून, बाद में हम चाक के डाल सकते हैं, 7 से 8 हरे मिर्चों का पेस्ट और 1 टेबलस्पून रा पपाया पेस्ट, कच्चे पपीते का पेस्ट। ये गोश्त हम बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं, अगर आपके पास रा पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट ना हो तो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करें। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गोश्त के साथ ये सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। गोश्त मैरिनेट होने तक हम एक दूसरा पेस्ट बना के रेडी रख लेते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 12 बादाम, 12 काजू, 12 पिस्ता। इसे गर्म पानी में रख दें 10 मिनट के लिए, छिलका आसानी से निकल जाएगा। देखिए छिलका निकला हुआ है। इसे 100 ग्राम दही के साथ पीसिए, 100 ग्राम यानी 4 से 5 टेबलस्पून आप ले सकते हैं दही, साथ में थोड़े धनिया के पत्ते, 4 से 5 पुदीने के पत्ते भी पीस लें, अच्छी खुशबू आएगी, सभी पीस लें। पिसा हुआ पेस्ट रेडी है, चलिए कुकिंग के प्रोसेस की ओर अब बढ़ते हैं। एक विजल गरम कर लें और इसमें डालिए 4 टेबलस्पून भर के घी, इसे मेल्ट होने दें। घी गरम होने के बाद इसमें डालिए काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कबाब चीनी, देखिए इस तरह होती है, 1/2 टीस्पून, 4 लौंग, दालचीनी के छोटे पीसेस हैं 3, 3 इलायची, हरी इलायची, कबाब चीनी ना हो तो स्किप कर दें। घी गरम होने के बाद स्पाइसेस डाल दें, घी बहुत ज्यादा गरम ना करें, स्पाइसेस डाल के सॉटे कर लें 15 से 20 सेकेंड के लिए हाई फ्लेम पे, ताकि इनकी खुशबू अच्छे से घी में आ जाए। 20 सेकेंड के बाद इसमें डालिए बारीक चॉप की हुई प्याज 1 बड़े साइज की, प्याज का वजन 100 ग्राम, अच्छे से फ्राई करिए गोल्डन होने तक। प्याज का रंग बदल गया है, गोल्डन हो चुका है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ गोश्त डाल दें। ये गोश्त 1/2 किलो से थोड़ा ज्यादा है, 2 या 3 पीसेस ज्यादा होंगे। गोश्त डालने के बाद अच्छे से भूनिए इसे हाई फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनिए। रा पपाया पेस्ट यानी कच्चे पपीते का पेस्ट यूज करने की वजह से हमें प्रेशर कुकर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस रेसिपी के लिए, बहुत जल्द ही ये सॉफ्ट हो जाएगा।
हाई फ्लेम पे अच्छे से भुनने के बाद अब फ्लेम को लो पे रख दें। लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए ऐसे ही पकाइए, बीच बीच में चेक करते रहिए ताकि इन्हीं जूसेस में एटलीस्ट 50% तक गल जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, गोश्त अच्छे से पक रहा है, इसमें बहुत सारा पानी भी निकला है। नेक्स्ट इसमें ये पिसा हुआ पेस्ट डाल दें, थोड़े से पानी से क्लीन करके डाल दें। फ्लेम को हाई पे रख के मिक्स करिए अब अच्छे से, फिर से हाई फ्लेम पे पकाइए, अच्छे से भूनिए, मसालों की कच्ची भुन जाने तक भूनते जाइए ऐसे ही। इसके लिए फिर से हमें 3 से 4 मिनट लग सकते हैं या 5 मिनट। गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए अब फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद करिए और लो फ्लेम पे गोश्त कम्प्लीटली गलने तक हम ऐसे ही पकाते जाएंगे, बीच बीच में चेक करते रहिए। अगर आपको प्रेशर कुकर यूज करना है तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से बनाने से टेस्ट बहुत यूनिक आएगा। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, गोश्त हमारा ऑलमोस्ट गल चुका है। अब इसमें हम थोड़े से ड्राई मसाले डाल देते हैं। 2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, व्हाइट पेपर पाउडर 1 टीस्पून यानी सफेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, यह हैदराबादी गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून चाट मसाला। इसे मिक्स करिए और भूनते जाइए। अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा कप फ्रेश क्रीम डालिए या दूध के ऊपर की मलाई पीस के डालिए। फ्लेम को मीडियम पे रख के मिक्स करिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालिए आधे नींबू का रस, थोड़ा सा नमक डाल दें आखिर में, थोड़े से बारीक कटे हुए धनिया के पत्ते, मिक्स कर लें। गर्मा गर्म सर्व करें नान रोटी पराठा इन सभी के साथ। बहुत बहुत यम्मी रेसिपी है ये, अक्सर इसे शादियों में हैदराबादी शादियों में सर्व किया जाता है पराठा या नान के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आप लोग इसे जरूर ट्राई करें और फीडबैक शेयर करना ना भूलें। दम का गोश्त, ये गोश्त की एक बहुत ही फेमस और मज़ेदार रेसिपी है, लेकिन आज यही रेसिपी हम सिंपल और आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाने वाले हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई करें, लेकिन टेस्ट इसका भी बेहतरीन होता है। इसे आप ज़रूर ट्राई करें इस बकरीद। ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज लेके आती रहूँगी। चैनल कुक विद फेम सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ऑल सेलेक्ट कर लें नोटिफिकेशंस के लिए। ये बहुत ही आसान दम का गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा किलो गोश्त, हड्डी वाला ले लें या बिना हड्डी के आपकी मर्जी। पीसेस थोड़े से छोटे साइज में ही कट कर लें, ज्यादा बड़े ना रखें। गोश्त में हमें अब थोड़े से इंग्रेडिएंट्स डाल के मिक्स करना है। 2 टेबलस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नॉर्मल है और 1 टेबलस्पून कश्मीरी है, अच्छे कलर के लिए डाल रही हूँ। थोड़ी सी हल्दी डाल दें आधा टीस्पून, 1 टीस्पून नमक डालिए, धनिया पाउडर 2 टीस्पून, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 3 टीस्पून, 1 नींबू का रस 2 टेबलस्पून हो गए, 100 ग्राम दही, 2 लौंग, 2 इलायची, दालचीनी का एक छोटा सा पीस, 4 टेबलस्पून कोकोनट पाउडर। इसे अच्छे से रोस्ट कर लें और पीस लें, देखिए इस तरह से बारीक। 2 बड़े साइज की प्याज को डीप फ्राई कर लें और दरदरा सा पीस लें या क्रश भी करके डाल सकते हैं। तेल डालिए 5 टेबलस्पून, थोड़ा सा घी 1 टेबलस्पून,
ये सभी इंग्रेडिएंट्स आप अच्छे से मिक्स कर लें। ये तो अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसमें हम थोड़े से धनिया और पुदीने के पत्ते, एक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल के मिक्स कर लेते हैं। इसे भी मिक्स कर लें। सभी इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और इसे हम 1 घंटे के लिए रख देते हैं मैरिनेट होने के लिए। अगर आपको दूसरे दिन बनाना है तो आप पूरी रात रेफ्रिजरेटर में भी इसे रख सकते हैं। 1 घंटा हो चुका है, मैरिनेट किया हुआ गोश्त अब एक वेसल में निकाल लें। फ्लेम ऑन करिए और इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पका लें। इसे 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें 1 ग्लास भर के पानी डाल देते हैं। ये मैरिनेट किया हुआ वेसल में ही इसे अच्छे से क्लीन करके डाल दें। मिक्स कर लें। नमक हमने 1 टीस्पून डाला है, अगर आपको कम लगा तो इस वक्त थोड़ा सा टेस्ट करके डाल दें। 1 मिनट के लिए पकने दें हाई फ्लेम पे। 1 मिनट के बाद फ्लेम को लो पे रख दें, इसके ऊपर लिड बंद कर दें और लो फ्लेम पे इसे हम 20 से 25 मिनट या गोश्त कम्प्लीटली अच्छे से गलने तक ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दम का गोश्त इस तरह से वेजल में लो फ्लेम पे ही पकाया जाता है, तभी टेस्टी बनता है। हर 5 से 10 मिनट के बाद चेक करते रहिए। दम तो गोश्त का तो गोश्त है, वो अच्छे से गल चुका है। देखिए कितना यमी लग रहा है। आप चाहें तो इसे और थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं, या आपको इस तरह से ग्रेवी चाहिए तो इसे ऐसे भी रख के खा सकते हैं आप। अगर आपको ये ग्रेवी ड्राई करना है तो फ्लेम को हाई पे रख के इसे थोड़ा सा पका लें। उससे थोड़े से धनिया के पत्ते भी डाल दें। है ना, बहुत ही ज्यादा सिंपल और आसान दम के गोश्त की रेसिपी। कमेंट में बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।